Assalamualaikum everyone, welcome to Mommytastic Cooks. आज की रेसिपी है पीनट चिकन करी विद वेजिटेबल राइस. बहुत ही मज़े की रेसिपी है. इसके लिए सबसे पहले हम राइस प्रिपेयर करेंगे. राइस और कैरेट्स को हमने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है और फिर इसको हम ड्रेन करके रखेंगे. अब एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे और उसमें 3 एग्स को बीट करके हम उसको कुक करेंगे और स्क्रैम्बल एग्स की तरह इसको हम पका लेंगे. इसको हमने गोल्डन नहीं करना, इनको हम सॉफ्ट रहने देंगे. ये खाली एग्स और थोड़ा सा सॉल्ट है बीच में. एग्स बहुत अच्छी तरह कुक हो गए हैं, अब हम इनको एक सेपरेट प्लेट में निकाल देंगे. सेम पैन में हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा गोल्डन हो जाए. अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरह पका लेंगे कि अनियन भी सॉफ्ट हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे. अब हम इसमें श्रेड की हुई बंद गोभी को ऐड कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे. ये बिल्कुल रेडी हो गया है. अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे. इसमें मैंने विनेगर ऐड की है. इसमें चिकन पाउडर ऐड करूंगी फ्लेवर के लिए. सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक. अब हम इसमें बॉईल हुए हुए राइस विद कैरेट्स हम ऐड कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे. अब हम इसमें स्क्रैम्बल्ड एग ऐड कर देंगे. आप इसमें चाहें तो आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं. अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे और नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक. नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक. इसको ढककर हम 10 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पर और चावल बिल्कुल रेडी हैं. अब हम पीनट चिकन करी बनाएंगे. इसके लिए सबसे पहले 2 kg बोनलेस चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और इसको बहुत अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और इसको हम एक साइड पे रख देंगे. और फिर हम एक पैन में ऑयल डालकर और उसमें हम ये चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे. आपने इन चिकन पीसेस को शेलो फ्राई करना है और इनका कलर थोड़ा वाइट और लाइट गोल्डन रखना है उनको. अब इसी पॉट में हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह कुक करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए. अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे. ये स्लाइस की हुई कैप्सिकम है और इसको हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे. अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे. इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे और अब हम इसमें थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे. इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे. अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा. इसको अच्छी तरह कुक करेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे. आप इसको जितना थिक ग्रेवी को रखना चाहते हैं आप उतना इसमें पानी ऐड करेंगे. इसमें हमने थोड़ी सी केचप भी ऐड की है और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे. इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर ली है. ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है कि अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी रखना चाह रहे हैं. मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी इसकी रखनी थी तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया है.
आपको कीवी चिकन पीसेस को हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे कर लेंगे। अब हमने इसमें ग्रीन अनियंस ऐड कर लिए हैं और थोड़ी सी वॉर्सेस्टायर सॉस मैंने ऐड की है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और इसको कॉर्नफ्लावर ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत तेज़ी से मैं इसको मिक्स करके पकाऊंगी और फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे एक दो मिनट तक। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी को अच्छी सी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। अब इसमें मैंने क्यूब्स में अनियंस काट के एंड पे मैंने डाल दिए हैं और ये गरम गरम ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। हमने इनको पकाना नहीं है अनियंस को। ये चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आप इसको गार्निश करें रोस्टेड पीनट्स के साथ और पीनट्स बिल्कुल एंड पे डालकर आप इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।